देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हर चौक पे ठेकेदार आते हो, वो भी फरीदाबाद। यहाँ की नगर निगम में 250-250 करोड़ की फाइलें मगर काम के पास हो गई, वो फरीदाबाद। क्योंकि 250 करोड़ की फाइल नहीं है, 5000 करोड़ का घोटाला। गांवों में चले जाओ तो वहां पंचायतों में घोटाले। कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है इन्होंने। महंगाई चरम पर है, देश का कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया 55 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। सबसे पहले तेवतिया जी से ही पूछूंगा कि आप यहाँ गांव में आए हुए हैं, गांव के लोगों का जो भावना है उसको इन्होंने बड़े ही खूबी से लोगों से दर्शाया है और लोगों से आश्वासन भी लिया है। तेवतिया साहब, आप ही बताएं कि महेंद्र प्रताप जी को जिस प्रकार से पार्टी ने चुनाव में उतारा है, यहाँ पे विरोध है करप्शन पाल के नाम से, एक व्यक्ति बहुत ही पॉपुलर है करप्शन पाल के नाम से, उनके बारे में जगह जगह लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या ये जुड़ाव जीत तक पहुँच पाएगा और ज्यादा बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, आपने अभी देखा पूरी बस्ती का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हर एक गांव में मिल रहा है और ये रोजाना बढ़ता जा रहा है। वोटों से जीतने का काम करेगा हरियाणा में 10 की। पिछले चुनाव में आप लोगों को याद होगा कि किशन पाल को यहाँ की जनता ने सबसे देश में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था और यही हाल इस बार महेंद्र प्रताप जी के साथ भी होने वाला है। हमारे साथ विजय प्रताप जी भी जुड़ेंगे। आप ये यहाँ पे आए हुए हैं जाजरू गाँव में, जिस प्रकार से गांव के लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है और गांव के लोगों ने जो भावुक आपसे पहले आपके बोलने से पहले ही गांव वालों ने आपको आश्वासन दिया है, आप जो गांव-गांव घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो रिकॉर्ड किशन पाल ने पिछले चुनाव में यहां पे बनाया था वो रिकॉर्ड टूट के नंबर वन पर फरीदाबाद जाने वाला है? लोगों में बहुत आक्रोश है, जो ये हालात रहे बीजेपी के शासन में, सभी वर्ग दुखी रहा है, जवान को रोजगार नहीं मिला, किसान को गारंटी नहीं मिली, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, सैनिकों के हाल खराब, और अगर आप देखें मजदूर परेशान रहे, इंडस्ट्रीज इनकी नीतियों से दुखी हैं, ग्राम हो कॉलोनीज में सड़क सीवर बिजली पानी की समस्या है, सब जगह दुखी हैं, लोगों में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की होगी और फरीदाबाद से चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनेंगे, ऐसा मुझे लोगों का भाव दिख रहा है। बिल्कुल, और ये दूर दराज के गांव में भी यही स्थिति है, शहर में तो है ही, शहर के लोग तो वोट दे ही रहे हैं, गांव के लोग ज्यादा उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। आप जासीन उपस्थित हमारे आदरणीय हमारे नेता चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, शर्मा भाई साहब आर्य जी, मास्टर जी विराजमान है यहाँ, उपस्थित सारी सरदारी, आदरणीय सभी बड़े बड़े बुजुर्गों, प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरी अपील से पहले ही आपने चौधरी साहब की अपील पर हाथ उठा के चौधरी महेंद्र प्रताप जी का समर्थन किया और आशीर्वाद दिया, इसको हम भूलने वाले नहीं है, क्योंकि जो चीज अपील करने से पहले मिल जाए, बगैर मांगे मिल जाए, तो बड़े लोग कहते हैं कि उसकी कीमत दोगुनी करनी चाहिए, जो अच्छा व्यक्ति है उसकी कीमत ज्यादा रखता है, और जो लोग हल्के हैं वो उस बात का वजन नहीं रखते। और पिछले 10 साल पिछला रिजल्ट तो यही बताता है कि इलाके ने जो इतना बड़ा भरोसा बगैर मांगे किशन पाल जी को दिया, क्योंकि वो कहते रहे हर जगह मुझे तो वोट दे नहीं रहे, ऊपर वालों को दे रहे, फिर भी इलाके ने जो इतना भरोसा उनको दिया, हिंदुस्तान भर में नाम कर दिया, दूसरे तीसरे नंबर की जीत हुई देश में, लेकिन उन्होंने इस बात की इज्जत समझी नहीं, इलाके की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझा, ना इलाके की शान को अपनी शान समझा, इलाके के काम को अपना काम नहीं समझा, ऊपर से परेशान किया, लोग पहुंचे हैं तो उनका अदब नहीं हुआ, आईजी नहीं, सत्कार नहीं मिला, जब सुनवाई नहीं है तो काम कहां से होंगे, ना व्यक्तिगत ना सामूहिक,
सभी तरह के कामों के लिए इलाका तरसता रहा। और मैं पिछले तकरीबन 20 दिनों से इलाके में जो घूम रहा हूं देख रहा हूं, इतना व्यक्तिगत विरोध मैंने आज तक किसी का नहीं देखा जितना कृष्णपाल जी का हो रहा है। वो इसी कारण से कि जब आदमी अहंकार में आ जाता है, जो जनता उसे बनाती है, ताकत देने वाली जनता माई बाप है, जब वोट की जरूरत है तो झोली भी फैलाता आदमी, पैर भी छूता है, और बाद में उसे उसी आदमी में से महक आने लगती। वही एक कारण है राजनेताओं का जो ये चरित्र है, ये सबसे बुरा है। और इस फरीदाबाद ने पिछले 10 सालों में देखा, और इसकी इसी अनदेखी की वजह से इनकी आज जो NCR में नंबर एक हुआ करता था फरीदाबाद सबसे निचले पायदान, नोएडा ग्रेटर नोएडा हमसे 20 साल पहले पीछे थे, हमारा इलाका बहुत आगे माना जाता था उनसे। आज कृष्णपाल जी जैसे नेताओं की बदौलत ये हाल है कि आज हम सबसे निचले पायदान पे वो आगे। इन्हीं का तो वायदा था कि पलवल तक मेट्रो ले जाएंगे, गुड़गांव तक ले जाएंगे, एक पिलर नहीं लगा पाए, नौकरी नहीं दी, कोई नए उद्योग नहीं बसाए, एक IMT यहाँ बसी हुई, उसके रोड भी आज तक बने हुए नहीं है, 5-5 जगह टोल है। देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 5 टोल हो, फरीदाबाद है। देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हर चौक पे ठेकेदार आते हो, वो भी फरीदाबाद है। देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ की नगर निगम में 250-250 करोड़ की फाइलें मगर काम के पास हो गई, वो फरीदाबाद। देश का अकेला ऐसा जिला है ये जहां पर स्ट्रांग रूम में आग लगा दी गई, क्योंकि 250 करोड़ की फाइल नहीं है, 5000 करोड़ का घोटाला है। 20000 करोड़ नगर निगम में आए पिछले 10 साल में, 6000 करोड़ अगर हम तनख्वाह में निकाल दें तो 14000 करोड़, 1150 करोड़ इन गांवों के ले लिए, जो ये 24 गांव अब जबरन नगर निगम में लिए, उसको भी खा गए। हालांकि अमर चौध साहब वायदा करके आए उन गांवों से कि सरकार बनेगी तो 24 गांव वापस नगर निगम में दिए जाएंगे और पैसा भी वापस दिया जाए, ताकि सरकार है तो बच गए, रुपया पंचायत में रुपया कम होएगा है, अगर पैसा ज्यादा होता तो लपेटे में आ जाते, नहीं लपेटे में आते आते बचे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब इतनी बदसलूकी इलाके के, काम किया नहीं कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई स्टेडियम, 8-8 साल से स्टेडियम बन रहे, 10-10 साल से मजावली का पुल बन रहा, गांवों में चले जाओ तो वहां पंचायतों में घोटाले, सरपंच रो रहे हैं, जब ऑनलाइन ही कराया तो चुने काहे के लिए, माई बाप हमारा किसान है और उसकी उस किसान के ही किसान की औलाद ही सैनिक बनती है, और तो किसी की बनती नहीं। वो अग्निवीर लाके सैनिकों का भविष्य बर्बाद कर दिया, MSP की गारंटी ना देके किसान आज तक परेशान, और इसी देहाती पृष्ठभूमि की लड़की हमारी पहलवान, उनका इतना अपमान, हमारी बहनों का बेटियों का, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है इन्होंने। महंगाई चरम पर है, देश का कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया 55 लाख से, आंकड़ों पे अगर जाएं तो इनके वाली बात है कि पूरा दिन लग जाएगा, हालांकि आंकड़े तो मेरे से ज्यादा आपको मालूम है, जो आंकड़े आपने पेश किए तो वो तो ऐसे समझोगे जैसे प्रवक्ता है। तो हर हर वर्ग परेशान है, और घोटालों में सबसे ऊपर है, कोई यार है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पीए है, कोई स्टाफ है, सब अरबपति हैं, सब। अगर कोई परेशान है तो जनता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं जैसे चौधरी साहब ने कहा, और यारी दोस्ती रिश्तेदारी में भी थोड़ी सी ताकत लगाओ, चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनते हैं तो फरीदाबाद वापस NCR में नंबर एक जिला होगा, ये आपसे वायदा करते हैं, और पहले भी रहा है, पहले तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उन्हीं के दौरान बने, उन्हीं के समय में,
इस इलाके को कितनी नौकरियां मिली जब सरकार थी 64 में मिले, कितनी नौकरियां मिली, कितना सम्मान मिला। आज बेगौरी हो रही है, ना नौकरी है। इस इलाके के लिए यूनिवर्सिटी दी जाएगी, फरीदाबाद पलवल जिले के लिए एक यूनिवर्सिटी और 5 बड़े कॉलेज और 5 बड़े अस्पताल, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो चौधरी साहब ने बता ही दिया, लेकिन हम जीतते हैं तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी का घोषणा पत्र, उनका बहुत लंबा अनुभव है काम का और 3 पीढ़ी से हमारी राजनीति है। तो हमारी इच्छा है कि हम इस जिले को, क्योंकि हमारे को दुख होता है, हम बाहर किसी शहर में जाते हैं जो 20-25 साल पहले हमारे सामने बहुत छोटे शहर हुए और आज वो हमसे बहुत आगे, तो पीड़ा भी होती है कि हम पिछड़ गए, हमें वापस अपने शहर को ऊपर ले जाना। वो आएगा कैसे जब ये कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, स्पोर्ट सिटी बनेगी, मेट्रो तो जिससे तरक्की आती है वो गुड़गांव और पलवल तक जाएगी, वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट बनेंगे, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम इस जिले को आगे ले जा सकते हैं। और ये भी ले जा सकते थे, पैसा बहुत आया 30,000 करोड़, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग किया अलीबाबा और 40 चोरों ने अपने लिए किया, उसका भुगतान इस इलाके को करना पड़ रहा है। तो मेरी तो यही आपसे अपील है कि इस अहंकार का और गिरोह का जो अंत है वो आपके हाथ में है, आपके बटन से ये गिरोह, सरकार नहीं चल रही है, गिरोह चल रहा है और इन्होंने खुद मांग लिया, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को हटा दिया, खुद ही मान लिया सफल है, और जो अब बनाया वो और भी सुहान अल्लाह। तो हालात ये हैं, तो आपसे यही अपील है कि अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन आने वाली 25 तारीख को दे, ताकि आपकी दी हुई ताकत के बल पर हम पुनः इस फरीदाबाद को नंबर 1 बनाए। धन्यवाद, जय हिंद।